आज हम बनाने वाले हैं मसाला पूरी, जो कि काफ़ी इंस्टेंटली बना सकते हैं आप घर पर ही, और काफ़ी सुंदर सा इसका टेस्ट होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि रविंद्र, आप देख रहे हैं YouTube चैनल RPG Tricks। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं आज हम झटपट नाश्ता बनाने वाले हैं मसाला पुरी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने लिया है प्याज, हरा धनिया, अदरक लहसुन, हरा मिर्च और एक टोमेटो, और साथ ही में हमने लिया है एक बाउल में गेहूँ का आटा और एक छोटे से बाउल में हमने लिया है चना दाल का आटा। तो इससे बनाने वाले हम मसाला पूरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रेसिपी है, काफ़ी झटपट आप घर पे बना सकते हैं और इजीली सवेरे के चाय के साथ इसको चट करके ख़त्म कर सकते हैं, इसका स्वाद ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमने ये जो कट करके लिया था, जैसे कि प्याज, अदरक, लहसुन, टोमेटो, हम इसको इसका प्यूरी बना के लेने वाले हैं। तो सब एक साथ में हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों सब चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर ली, केवल धनिया हमने पीछे रखा है, अब इसको हम ग्राइंड करके ले लेते हैं। दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करने वाले हैं स्वाद अनुसार, जीरे से काफ़ी टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमने इसको अच्छा सा ग्राइंड करके लिया है, पेस्ट करके लिया है। तो चलिए हम अभी आटा गूंद लेते हैं। ये गेहूं का आटा हमने इसको एक प्लेट में ले लिया है थाली में, और साथ में बेसन पीट भी हम इसे मिक्स करेंगे, और साथ में हमने जो इसका पेस्ट बना है वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो दोस्तों साथ में हम इसमें मिला रहे हैं 2 चम्मच चावल का आटा, इससे काफ़ी ये क्रिस्पी बनता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। आपके पास अवेलेबल है तो आप ये डाल सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार हम हल्दी डाल रहे हैं इसमें 1/4 चम्मच, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पेस्ट इसमें हम ऐड कर रहे हैं। हरा धनिया पत्ता हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, इसका मिश्रण बना लेंगे, और उसके बाद में आवश्यकता अनुसार हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे। पहले इसको मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। तो आटा गूंथते समय हमें ध्यान रखना है दोस्तों, इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो दोस्तों फाइनली हमारा डो रेडी हो गया है, इसको हम 10 मिनट तक ढक के रख देंगे ताकि अच्छा सा भीग जाए। दोस्तों हमने गैस ऑन कर लिया है, फ्राई पैन रख दिया है, उसमें ले लिया हमने ऑयल। हम चलते हैं आटे की तरफ। आटा भी हमारा 10 से 15 मिनट हो गया है, अच्छी तरह से भीग गया होगा। तो दोस्तों आटा हमारा अच्छी तरह से भीग गया है, आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस साइज के हम इसकी लाठियां बना लेंगे। पूरी बना लिए है, थोड़ी पतली करना है, ज्यादा जाड़ी नहीं रखना है और ज्यादा पतली भी नहीं करना है, नहीं तो वो क्रिस्पी हो जाएगी। तो हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, अब हम पूरी इसमें छोड़ देते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारी जो मसाला पूरी है वो रेडी हो गई, आप देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी हमने इसको क्रिस्पी बना ली है, अच्छी तरह से फ्राइड की है, जितनी क्रिस्पी रही तो ये टेस्टी लगती है। और गर्मा गर्म चाय के साथ ऐसा नाश्ता आप काफ़ी इजीली इंस्टेंटली घर पे बना सकते हैं, और इसका टेस्ट भी काफ़ी लजीज होता है और ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं लगती है इसको। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, और आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे नए नए रेसिपीज हम लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक बार मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।